पूरा संगठन के सभी पदाधिकारी छोटे से बड़े तक उसमें शामिल थे और आज तीन फैसले लिए गए हैं। एक फैसला ये है कि हम अपने जो पूरा हरियाणा है उसमें कल टोल फ्री रखेंगे 3 बजे 12 बजे से 3 बजे तक, और उसके साथ जहां हमारा बाकी संगठन है जैसे पंजाब में है जैसे उत्तर प्रदेश में है वहां भी जहां जहां हमारी यूनिट है वो भी 3 घंटे अपना इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और उसके अगले दिन जो है वो ट्रैक्टर परेड है हर तहसील में 12 बजे से शुरू होगी जब तक भी वो समाप्त होगी हर तहसील में, वो हर तहसील वाले अपना अपना टारगेट तय कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक जाना है। और उसके अगले दिन यानी 18 तारीख को सभी हरियाणा के किसान संगठन मजदूर संगठन उसमें व्यापारी उसमें जो किसी तरह के भी संगठन है उनको शामिल करके चाहे उनमें टोल कमेटियाँ हैं चाहे उसमें लंगर कमेटियाँ हैं उन सभी को खपे हैं उनमें सरपंच एसोसिएशन है सभी के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग की जाएगी। जो ब्रह्म सरोवर है उसके बीच में एक पार्क है वहाँ पे मीटिंग रखी गई है और अगला जो प्रोग्राम है सभी मिलके उस मीटिंग के अंदर लेंगे। तो आप लोग जाएंगे पंजाब जाएंगे किसानों को समर्थन नहीं पंजाब नहीं जा रहे हैं पंजाब जाने का कोई तुक नहीं बनता है। जो 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 प्रोग्राम है वो हम हरियाणा में आंदोलन लड़ेंगे क्योंकि हरियाणा अभी तक नहीं उठा है और हरियाणा को में का जो समर्थन है वो आंदोलन को देने के लिए वो किसानों को के हक में लड़ने के लिए मजदूरों के हक में लड़ने के लिए ये प्रोग्राम जो है हम यहाँ पे करेंगे। फिलहाल कल आपका टोल टैक्स फ्री रहेगा और परसों ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। जी दो प्रोग्राम ये तीसरी मीटिंग और उसमें हम आपके माध्यम से ये अपील करते हैं कि उसमें हमारे सारे भाई शांति बना के रखें कोई उपद्रव नहीं करेगा कोई तोड़ फोड़ आगजनी कोई धक्का मुक्की किसी पुलिस वाले से टकराव नहीं करेगा और दूसरी तरफ आपके ही माध्यम से हम सरकार को भी ये प्रशासन को भी ये चेतावनी दे रहे हैं और ये अनुरोध भी कर रहे हैं कि वो ना तो किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश करे ना किसी को रोकने की कोशिश करे ये हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा। देखिए वो आंदोलन तो जो चल रहा है उसी आंदोलन का ही ये है ना, अगर आंदोलन ना होता फिर तो शायद हम अपने बाद में करते अपने तरीके से करते लेकिन जो मांगे हैं वो वही हैं। और उसके साथ हम एक मांग ये भी रखते हैं कि ईवीएम का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए वो बेल्ट पेपर से होना चाहिए ये मांग हम और इसमें अलग से जोड़ते हैं। और बाकी जो मांगे हमारे भाइयों ने रखी है वो बहुत अच्छी रखी है हम उन सब का समर्थन करते हैं। 18 को जो मीटिंग रखी गई है जो दूसरे संगठन को न्योता दिया जाएगा जी सबको न्योता दिया गया हम आपके माध्यम से न्योता दे रहे हैं कि हम आप मीडिया के माध्यम से न्योता दे रहे हैं हम छोटे बन के सबको आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे पूरा संगठन के सभी पदाधिकारी छोटे से बड़े तक उसमें शामिल थे और आज तीन फैसले लिए गए हैं। एक फैसला ये है कि हम अपने जो पूरा हरियाणा है उसमें कल टोल फ्री रखेंगे 3 बजे 12 बजे से 3 बजे तक, और उसके साथ जहां हमारा बाकी संगठन है जैसे पंजाब में है जैसे उत्तर प्रदेश में है वहां भी जहां जहां हमारी यूनिट है वो भी 3 घंटे अपना इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और उसके अगले दिन जो है वो ट्रैक्टर परेड है हर तहसील में 12 बजे से शुरू होगी जब तक भी वो समाप्त होगी हर तहसील में, वो हर तहसील वाले अपना अपना टारगेट तय कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक जाना है। और उसके अगले दिन यानी 18 तारीख को सभी हरियाणा के किसान संगठन मजदूर संगठन उसमें व्यापारी उसमें जो किसी तरह के भी संगठन है उनको शामिल करके चाहे उनमें टोल कमेटियाँ हैं चाहे उसमें लंगर कमेटियाँ हैं उन सभी को खपे हैं उनमें सरपंच एसोसिएशन है सभी के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग की जाएगी। जो ब्रह्म सरोवर है उसके बीच में एक पार्क है वहाँ पे मीटिंग रखी गई है और अगला जो प्रोग्राम है सभी मिलके उस मीटिंग के अंदर लेंगे। तो आप लोग जाएंगे पंजाब जाएंगे किसानों को समर्थन नहीं पंजाब नहीं जा रहे हैं पंजाब जाने का कोई तुक नहीं बनता है। जो प्रोग्राम है वो हम हरियाणा में आंदोलन लड़ेंगे क्योंकि हरियाणा अभी तक नहीं उठा है और हरियाणा को में का जो समर्थन है वो आंदोलन को देने के लिए वो किसानों को के हक में लड़ने के लिए मजदूरों के हक में लड़ने के लिए ये प्रोग्राम जो है हम यहाँ पे करेंगे। फिलहाल कल आपका टोल टैक्स फ्री रहेगा और परसों ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। जी दो प्रोग्राम ये तीसरी मीटिंग और उसमें हम आपके माध्यम से ये अपील करते हैं
कि उसमें हमारे सारे भाई शांति बना के रखें, कोई उपद्रव नहीं करेगा, कोई तोड़फोड़ आगजनी, कोई धक्का मुक्की किसी पुलिस वाले से टकराव नहीं करेगा। और दूसरी तरफ आपके ही माध्यम से हम सरकार को भी ये, प्रशासन को भी ये चेतावनी दे रहे हैं और ये अनुरोध भी कर रहे हैं कि वो ना तो किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश करे, ना किसी को रोकने की कोशिश करे, ये हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा। देखिए वो आंदोलन तो जो चल रहा है उसी आंदोलन का ही ये है ना, अगर आंदोलन ना होता फिर तो शायद हम अपने बाद में करते, अपने तरीके से करते, लेकिन जो मांगे हैं वो वही हैं। और उसके साथ हम एक मांग ये भी रखते हैं कि ईवीएम का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वो बेल्ट पेपर से होना चाहिए। ये मांग हम और इसमें अलग से जोड़ते हैं। और बाकी जो मांगे हमारे भाइयों ने रखी है वो बहुत अच्छी रखी है, हम उन सब का समर्थन करते हैं। 18 को जो मीटिंग रखी गया, जो दूसरे संगठन को न्योता दिया जाएगा, जी सबको न्योता दिया गया, हम आपके माध्यम से न्योता दे रहे हैं कि हम आप मीडिया के माध्यम से न्योता दे रहे हैं, हम छोटे बन के सबको आमंत्रित कर रहे हैं।